मेथड नंबर सिक्स, यानी कि आप गूगल प्ले स्टोर से भी आप अपनी आईडी को अपडेट कर सकते हो अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड के जरिए। जैसा कि आप सभी को पता है, इनकम जंक्शन का जो पैकेज कॉस्ट है वो $11 है, सर्विस टैक्स गवर्नमेंट का जो बनता है $1.65 बनता है, यहाँ पे टीडीएस बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आप अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड के जरिए अपनी आईडी को अपग्रेड कर रहे हो। यहाँ पे एक चार्ज बन जाता है गूगल चार्ज, गूगल से आप प्ले स्टोर से आप अपनी आईडी को अपग्रेड कर रहे हो तो $5 आपको गूगल को देना होगा, टोटल जो बनता है $17.65 बनता है। जी हाँ दोस्तों, गूगल प्ले से आप अपनी आईडी को अपग्रेड करोगे और $17.65 आपका लगेगा। $17.65 लगने के बाद आपको क्या मिलेगा उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको सभी को पता है, $11 कंपनी एक्टिवेशन बोनस देती है, जो बंदा अपनी आईडी को एक्टिवेट करता है उसको $11 मिलते हैं, पर वो $11 तभी निकाल पाएगा जब उसके टोटल $110 हो जाएंगे। 110 से पहले इस 11 को नहीं निकाल पाएगा, जो उसकी कमाई हुई राशि है उसको निकाल पाएगा। 110 होते ही इस 11 को भी निकाल पाएगा। $2 आईडी एक्टिवेट हो, खुद उसने गूगल प्ले स्टोर के अंदर जाके अपनी आईडी एक्टिवेट की है तो $2 जो एक्टिवेटर का मिलता है वो इससे मिलेगा, $7 मिलता है, टोटल $17। यानी कि गूगल प्ले स्टोर के जरिए उस बंदे ने अपनी आईडी एक्टिवेट की तो $17.65 उसे उसका लगा और उसे वापिस $13। अगर उस बंदे के फर्स्ट लेवल में कोई भी बंदा अपनी आईडी एक्टिवेट करता है तो सीधा $1.5 मिलेगा। लेवल 2 से लेकर लेवल 7 तक कहीं भी आईडी एक्टिवेट होती है तो सीधा $0.5 मिलेगा। अचीवर के लिए $1.5 निकाला गया, उसके बारे में मैं रैंक बोनस के बारे में जब आपको बताऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे वो $1.5 बढ़ता है। परफॉर्मेंस बोनस $0.5 निकाला है तो $0.5 परफॉर्मेंस बोनस कैसे बढ़ता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कंपनी ने जो चार्ज दिया है $1 दिया है, इतनी ढेर सारी सर्विस देने का वन टाइम का चार्ज कंपनी ने दिया है इनकम जंक्शन ने, जो सर्वे ओवरऑल लाइफ टाइम यूज कर सकता है उसका सिर्फ जो चार्ज है वो $1। धन्यवाद।